हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले यस बैंक के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने उसका चार्ट ओपन कर दिया है। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। और जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं, वो भी अप स्टॉक्स में। अब बात करते हैं यस बैंक के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं राइट नाउ 13.35 रुपीज़ पर करेंटली ट्रेड करी और लगातार की फ्लक्चुएशन किस तरीके से मार्केट में देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वन डे का फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। डाउन अगर आए देख सकते हैं कि 13.20 तक डाउन आई थी और हाई गई है 13.40, मतलब अच्छा खासा फ्लक्चुएशन मिडिल में देखने को मिल गया। अगर यहाँ से ध्यान दें सबसे हाई पॉइंट से तो कितनी डाउन, ये तो अप्रॉक्स 1.5 का फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिला है मार्केट में। पर जो क्लोज हुई है वो नॉर्मल जो प्रीवियस क्लोज थी उसी पे क्लोज हुई है। और यहाँ पे थोड़ा और केयर करें तो देख सकते हैं 5 डे से लगातार डाउन की साइड का फ्लक्चुएशन देखने को मिला। इनफैक्ट अगर 1 मंथ से ही बात करें तो ये डाउन की साइड फ्लक्चुएशन देखने को मिला। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर इस पॉइंट पे आ जाए ये शेयर्स, मतलब 13.10 तक या 13.20 तक आ जाए तो आप लोग इस शेयर्स को बाई कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अभी भी यही बोलूंगा गाइस, आप लोग ये शेयर्स को बाई कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जल्दी ही ये शेयर 15-16 तक टच करेगी और एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग को गेन करते हुए दिखेगी। अगर ऑलमोस्ट बात करें तो यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अगर हम 14.75 से बात करें और यहाँ पे ध्यान दें कि मतलब यहाँ तक ध्यान दें तो ऑलमोस्ट एक अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। 11-10% का फ्लक्चुएशन मिल जाता है और आप लोग को एक अच्छा प्रॉफिट गेन होने का चांसेस भी रहता है। और यहीं अगर दूसरी बैंक का भी बात करें तो दूसरे कौन कौन बैंक का हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरे बैंक सब जिसमें आज भी डाउन के साइड फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। पर ये डाउन के साइड इसलिए फ्लक्चुएशन देखने को मिला है क्योंकि ये एक नॉर्मल सी एक हेल्दी फ्लक्चुएशन हम लोग बोल सकते हैं। क्यों ये हेल्दी फ्लक्चुएशन बोल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स की फ्लक्चुएशन किस तरीके से रही है। तो इसके हिसाब से ये फ्लक्चुएशन नॉर्मल है और एक सही फ्लक्चुएशन है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग को बाई करना है ये शेयर तो अभी बहुत सही टाइम आप लोग बाई कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर किसी को और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई बैक करूँगा। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। Thank you. Have a nice day.